नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। तो चलिए, विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिसका तकनीकी की सहायता से उपयोग किया जा रहा है, जैसे पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, मध्य प्रदेश का मंगनीज, इसका कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वैसे संसाधन को माना जाता है जिसमें सभी सजीव वस्तुएं आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि, इसके कुछ उदाहरण हैं। अजैव संसाधन। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जैसे भूमि, मिट्टी इत्यादि। उपलब्धता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जो प्रकृति द्वारा पुनः पूर्ति की जाती है, जैसे सूर्य की किरण, पवन इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जो प्रकृति द्वारा पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है, जिसके निर्माण में लाखों वर्ष लग सकते हैं, जैसे सभी प्रकार के खनिज, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। वितरण के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं, जैसे मिट्टी एवं वायु, इसके कुछ उदाहरण हैं। स्थानिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कुछ निश्चित स्थान पर ही पाया जाता है, जैसे कोडरमा का अभ्रक, जादूगोरा का यूरेनियम इत्यादि। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार वर्गों में बांटा जाता है। पहला, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनमें संसाधन पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जैसे किसान का खेत, घर इत्यादि। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिन पर किसी समाज या किसी समुदाय का स्वामित्व होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, सरकारी स्कूल, पार्क, कब्रिस्तान इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिन पर राष्ट्र का स्वामित्व होता है, जैसे रेल, पुल, नहर इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का स्वामित्व होता है, जैसे समुद्र तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र ही राष्ट्रीय संसाधन होता है, उसके बाद का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में गिना जाता है।